मित्रों नमस्कार, कैसे हैं? आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल प्लान पर वीडियो लेकर आया हूं, वेरी स्पेशल और स्पेसिफिक टारगेटेड पर्पस के लिए, जो हर इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरत होती है। मसलन बेटी की शादी, बच्चे का हायर एजुकेशन या बच्ची का हायर एजुकेशन। इस प्लान को मैंने नाम दिया है कन्यादान योजना। एक्चुअली यह LIC का न्यू प्लान है, बीमा ज्योति। मैं इसके सेलिन फीचर की चर्चा करूंगा, फिर आप खुद कहेंगे कि आपने कन्यादान योजना का नाम क्यों दिया, या बच्चों के हायर एजुकेशन को टारगेट कैसे किया, या आप खुद बताएंगे कि यह आपका सोच बहुत सही है। इंसान के ज़िंदगी में एसेट और लाइबिलिटी दो ऐसी चीज़ें होती है जो कभी साथ नहीं चलती है। जब इंसान की ज़िंदगी में लाइबिलिटीज़ दायित्व का बोझ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो दुखी हो जाता है, दुखी होने लगता है, और एसेट ज़्यादा हो, दायित्व कम हो, लाइबिलिटीज़ कम हो, तो बड़ा कंफर्टेबल फील करता है। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको इसको क्लियर करूँगा। अगर कोई व्यक्ति मकान का लोन लेता है, हाउसिंग लोन लेता है 20 लाख रुपये, फर्ज करें एक एग्जांपल के रूप में, क्या उसकी किस्तें बनती है 20,000, 22,000, 25,000, जो भी लंबी किस्त होती है। और अगर उसकी लाइफ की नौकरी के दिन कम बचे हों, 10 साल 12 साल 8 साल, तो हर व्यक्ति के साथ वो समस्या होती है। वो सोचने लगता है कि मेरी किस्तें कब खत्म होगी, लोन कब खत्म होंगे, इसकी चिंता सताई जा रही है, ये लाइबिलिटी जो है। बट ये नहीं बोलना चाहिए कि लाइबिलिटी क्रिएट्स एसेट। जिस दिन लोन की किस्त पूरी हो जाती है तो घर अपने हो जाते हैं, इसकी खुशी एक अलग होती है। उसी टाइप से इंसान की ज़िंदगी में बच्चे जो होते हैं, शुरुआती तौर पर कहें तो हमारे दायित्व हैं, हमारी लाइबिलिटी है, हमारा ये फ़र्ज है कि उस दायित्व को पूरा करें, उसकी उचित शिक्षा, हायर एजुकेशन, शादी, ये हमारा दायित्व है, ये लाइबिलिटीज है। लेकिन जिस दिन बच्चा हायर एजुकेशन करके, बच्ची हायर एजुकेशन करके, बच्ची की शादी हो जाती है, अच्छे प्लेस पर चले जाते हैं बेटा और बेटी, तो वो लाइबिलिटी नहीं रहते, वो हमारे एसेट हो जाते हैं और हमें बड़ी खुशी महसूस होती है। तो ये घटना हर व्यक्ति के साथ है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इस दायित्व की पूर्ति के लिए हमको क्या करना चाहिए? प्रेजेंट प्लान जिसकी मैं चर्चा करूँगा, बीमा ज्योति टेबल 860, बहुत ही स्पेशल ढंग से डिजाइन किया गया है और ये ग्रांटेड प्लान है, इनेमेंट प्लान है, नॉन लिंक प्लान है, विथ प्रॉफिट प्लान है। इसमें इस प्लान की विशेषता मैं बता दूं कि इस प्लान में टर्म और PPT क्या है, प्लान का टर्म 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल और 20 साल है, बस ये 4 टर्म है इसके। प्रीमियम पेमेंट के टर्म 10 11 12 13 14 15, मतलब मैक्सिमम 15 साल किस्तों का भुगतान करके 20 साल में टोटल मैच्योरिटी की राशि ले सकते हैं। और आज से 20 ईयर्स बाद जो हमारी लाइबिलिटी स्टैंड होने वाली है, मसलन बच्ची की शादी, बच्चे का हायर एजुकेशन, बच्चा या बच्ची आज के डेट में अगर उसकी जन्म होती है तो
तो इस प्लान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 0 ईयर्स से इस प्लान की शुरुआत है। इसका मिनिमम एंट्री 0 ईयर्स है ना, स्पेशल बात 0 ईयर्स है, 1 ईयर्स है, 2 ईयर्स है, 3 ईयर्स है। और वैसे स्थिति में प्लान का टर्म होता है 0 ईयर्स के लिए 20 ईयर्स, 1 ईयर का अगर बच्चा है तो प्लान का टर्म 17 साल, 2 ईयर्स का बच्चा है तो 16 साल, 3 साल का बच्चा है तो 15 साल, मतलब वो कंसाइड करेगा 18 साल, मिनिमम 18 या 20 साल का जब बच्चा हो जाता है हमारी मैच्योरिटी हमारे सामने उपस्थित हो जाती है हमारी लायबिलिटी को पूरा करने के लिए। वैसे इसमें एंट्री का एज अपर 60 तक है और प्लान की मैच्योरिटी 75 साल की है। 60 साल के व्यक्ति अगर एंट्री लेता है तो 15 साल का टर्म उसको मिलेगा, सो दैट कि 75 हो सके। 55 साल का व्यक्ति अगर एंट्री करता है तो 20 साल का टर्म मिलेगा ताकि 75 हो सके। और उसी टाइप से 55 और 60 के बीच में 55, 56, 57, 58, 59, 59, 59, 60 है और टर्म 15, 16, 17, 18, 19, 20, सो दैट कि 75 से ज़्यादा ना हो। हमको इसमें इस प्लान में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि हम अगर शुरुआती से अगर हम सजग हैं तो हम अपने जीवन की बहुत बेहतरीन ढंग से उज्जवल बना सकते हैं अपने बच्चों के साथ। 30 साल का व्यक्ति, 35 साल के व्यक्ति, 40 साल के व्यक्ति, उसके घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है 0 ईयर्स में ही इस प्लान में एंट्री किया जा सकता है। अपने नाम से प्लान है, बच्चे का नाम दें और बच्चा 0 ईयर्स में है, मात्र 15 साल पैसे देने होंगे, 16 साल पैसे देने होंगे, 17 साल पैसे देने होंगे, 20 ईयर्स मैक्सिमम 18 से 20 साल में मैच्योरिटी की राशि मिल जाती है। हम छोटी से बात करें, अगर आप किस ढंग से डिजाइन करते हैं, आपको 15 लाख रुपए के लिए डिजाइन कर रहे हैं, 20 लाख रुपए के लिए डिजाइन कर रहे हैं, 30 लाख रुपए के लिए डिजाइन कर रहे हैं कि हमारा बच्चा जब 18 से 20 साल के बीच में होगा तो हायर एजुकेशन, उस समय कॉलेज में एंट्री की बातें होती है किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसी अच्छे MBA के कॉलेज में, किसी अन्य प्रोफेशनल कॉलेज में, उस समय हमको 10 से 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। तो आज अगर हम प्लान कर दें, जो व्यक्ति अगर इसके लिए कर दे तो उस समय सुनहरा जीवन, बहुत बड़ा भविष्य चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा बच्चे का उज्ज्वल भविष्य के लिए। इसलिए मैंने इस योजना का नाम कन्यादान योजना रखा है। अब आपको समझ में आ गई होगी कि कन्यादान योजना रखने के पीछे क्या तर्क है। इस प्लान में 50 रुपया का ग्रांटेड एडिशन है 1000 पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो अभी चर्चा किया, इसमें अगर आपने 15 साल 15 लाख का ही अगर प्लान आप डिजाइन करते हैं तो आपको मात्र 170 रुपये पर डे के सेविंग पर ये प्लान आप चला सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि इतनी छोटी सी राशि 170 रुपये का प्लान अगर 2 बच्चे के लिए भी चलाएं तो 15-15 लाख उस समय जो आप व्यवस्था करेंगे आपका ऑलरेडी व्यवस्था हो चुका, इनबिल्ट व्यवस्था हो चुका होगा। दूसरी बात, इस प्लान में प्रीमियम वीवर बेनिफिट है, वेरी स्पेशल बेनिफिट होता है, ये सेलिएंट फीचर होता है प्लान का, प्रीमियम वीवर बेनिफिट है। प्रीमियम वीवर बेनिफिट का मतलब ये होता है, ये प्लान तो हमेशा गार्जियन के नाम से ही होता है, बच्चे प्रपोजर गार्जियन होता है, बच्चे के नाम से प्लान होता है क्योंकि प्रीमियम तो गार्जियन ही भरेगा ना। तो प्रीमियम व्यवहार का मतलब यह होता है, भगवान न करे अगर कहीं कोई बात किसी व्यक्ति के साथ हो जाती है तो उसने सपने सजो रखे हैं अपने बेटी की शादी और बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए कि 15-15 लाख या 20-20 लाख रुपये मिलने हैं, तो इस बेनिफिट को लेने पर वो रहे तो मिलना ही है, तो प्रीमियम भर कर, नहीं रहे तो बिना प्रीमियम भरे टोटल मैच्योरिटी की राशि वैसे ही मिलेगी जैसे वो था, मतलब वो राशि उसके घर में उपलब्ध रहेगी ताकि उसकी जो डिजाइन, जो गार्जियन डिजाइन करके गया था, बच्ची की शादी खूब धूमधाम से हो सके, बच्चे का हायर एजुकेशन में एडमिशन हो सके। तो इस टाइप से प्लान बहुत ही शानदार प्लान है।
इस प्लान को मैंने कन्यादान योजना के नाम से डिजाइन किया है। मिनिमम में एक एंट्री एज जैसे बताया 0 से 60 साल के बीच है, मैच्योरिटी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 75 साल है। 18 साल में मैच्योरिटी ले सकते हैं, 18 से 20 साल में। मैंने उसी को फोकस करके इस प्लान को डिजाइन किया, मैंने 60 और 65 को लेकर के नहीं किया है, मेरा फोकस उस पर है। क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होने वाला इस ढंग का बड़ा सीमित प्लान है, या पहला प्लान कह सकते हैं, बहुत सीमित प्लान है। और 0 में इस टाइप के नहीं कि 0 से अभी बच्ची पैदा हुई, बच्चा पैदा हुआ, अभी 6 महीना का है तो 0 ईयर्स का लाएगा, 8 महीने का है 0 ईयर्स का लाएगा, उसका जो है उसके नाम से हम पॉलिसी खोल सकते हैं। हमारा फोकस यहाँ पर है। तो इस टाइप से ये प्लान जो है, मैंने मैच्योरिटी की बात बता दी आपको, डेथ बेनिफिट की बात मैंने बता दी, इसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट है अगर ऐसी कोई बात हो जाती है तो, और मैच्योरिटी के केस में तो सामान्य रूप से जो मैच्योरिटी मिलती है सम इंश्योर्ड की राशि प्लस बोनस या ग्रांटेड एडिशन जो कुछ भी होता है वो जोड़ करके मिलता है। तो मैंने बताया कि जोड़ करके अगर मात्र 171 रुपये अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 30 साल की है और 7.5 लाख की पॉलिसी लेता है और 7.5 लाख का ही सम इंश्योर्ड है, आप PPT का टर्म 20 और 15 है, 20 साल का टर्म है, 20 साल में पैसे मिल जाएंगे, 15 साल मात्र पैसे जमा करने हैं, उस प्लान में समथिंग 5,000 रुपये का मंथली ये और 170 रुपये पर डे के सेविंग पर ये प्लान चलेगा और मैच्योरिटी पर उसके 15 लाख रुपये आएंगे। तो ये एक अजूबा प्लान है, स्पेशली डिजाइन जो पर्पज़ के लिए मैंने किया है उसके लिए है। आप इसको बिल्कुल सिंपल सा प्लान है, कहीं कोई ये नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है। बच्चे और बच्ची के इमेज चूँकि 0 से एंट्री कहे जाए, अपने बजट के हिसाब से इसको ले लेना चाहिए परिवार को खुशहाल रखने के लिए। मैंने इस प्लान की पूरी चर्चा तो कर दी दोस्तों, लेकिन एक निवेदन करूँगा, मैं आप लोगों के लिए इस तरफ से कंटिन्यूस वीडियो विभिन्न पर्पज़ के लिए उपलब्ध करा रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हमको प्रोत्साहित करने के लिए हमारे चैनल को सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करें। ये सीक्रेट ही है, मैं इन्वेस्टमेंट पर सीक्रेट दिखा रहा हूँ किन किन प्लानों में क्या सीक्रेट है, इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो और इसका लाभ ले सके। धन्यवाद मित्रों, अगले वीडियो में अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो कृपया जो है जो भी क्वेरी बनती है इसको आप जो है पूछ सकते हैं, कमेंट्स में डाल सकते हैं।